अच्छे तरीके से ग्लो कर रही है, फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है, आप देख सकते हो, मैं आपके सामने बता रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, ये मेरी नेचुरल स्किन है, ना कोई हाइलाइटर लगाया है, ना कोई पाउडर ब्लश स्किन वाइटनिंग के लिए कुछ क्रीम वैसा कुछ भी नहीं लगाया है मैंने, ना कोई पार्लर से फेशियल करवाया है, ना कोई डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट करवाया है। आप सब जानते हैं कि कोई भी ट्रीटमेंट कराओ तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो होता ही नहीं, इसीलिए मैंने ना कोई ट्रीटमेंट करवाया है, मैंने तो सिर्फ एक मैजिकल मास्क बनाया है और उसे अप्लाई किया है 7 डेज के लिए, मैंने कंटिन्यूस अप्लाई किया है और मेरे को रिजल्ट मिला है। अगर आप चाहते हैं कि आपके भी ऐसे रिजल्ट मिले तो इस वीडियो को पूरा। हाय गाइस, आई एम पूजा रोहत, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलिएगा। आज मैं आपके साथ एक ऐसी मैजिक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, एक ऐसे मैजिकल मास्क शेयर करने वाली हूँ जो हर कोई यूज कर सकता है, चाहे वो टीनेजर हो, चाहे वो मम्मी हो, चाहे वो दादी माँ हो, चाहे वो बुआ हो, चाहे वो मामी हो, कोई भी यूज कर सकते हैं, हर किसी के लिए बनाया गया। अपने किचन में मिलने वाली ऐसे प्रोडक्ट से मैंने बनाया है, सिर्फ 3 चीजें इसमें उपयोग होने वाले हैं। दावे के साथ कह सकती हूँ, मैं वादे के साथ कह सकती हूँ कि आपने जो मास्क 7 डेज अगर आपने लगाया हो तो आपकी जो स्किन की टेक्सचर है वो पहले से बहुत बेटर होगी। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, फिर कमेंट कीजिए। आप इस मास्क को लगाने के बाद आपकी जो स्किन है उसकी टेक्सचर है स्मूथ हो जाएगी, ग्लोइंग हो जाएगी और आपकी जो स्किन है एकदम ग्लास स्किन की तरह दिखेगी। ग्लास स्किन को लेकर आपको भी एक डाउट आ रहा होगा कि आखिर ग्लास स्किन होता क्या है, तो ग्लास स्किन कुछ नहीं होता है कि ग्लास यानी जो ग्लास की टेक्सचर है वो बहुत स्मूथ होती है, हम सबको पता है। जब सूरज की किरणें उस ग्लास स्किन के ऊपर पड़ती हैं तब वो ग्लास क्या करने लगता है, चमकने लगता है, ग्लो करने लगता है। उसी तरह जब हमारी फेस एकदम क्लीन रहेगी तो ग्लास स्किन का यही मतलब होता है कि जब हमारी जो फेस है वो एकदम क्लीन, बिना एक्ने पिंपल प्रॉब्लम्स के, बिना एकदम क्लीन फेस, जब हम सूर्य किरणें हमारे फेस पे पड़ती हैं तब हमारी स्किन जो है वो ग्लो करने लगती है, एक रिफ्लेक्शन मिलता है हमारे स्किन, एक चमक दिखती है हमारे स्किन पे। उसको लाने के लिए मैं एक मैजिकल मास्क बताने वाली हूँ, आप इसे 7 डेज के लिए फॉलो कीजिएगा और आपके रिजल्ट दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको बेस्ट और बेटर रिजल्ट मिलेगा, जो आपकी स्किन की टेक्सचर है वो पहले से बेहतर होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खिचड़ी से बिरयानी हो जाएगी, खिचड़ी तो खिचड़ी रहेगी पर उसकी टेक्सचर जो है वो स्मूथ हो जाएगी, पहले से बेहतर हो जाएगी। बातें ना करते हुए इस मास्क को किस तरह प्रिपेयर किया जाते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लेंस करना है। मैं कोई भी मार्केट प्रोडक्ट यूज नहीं कर रही हूँ, जो भी हमारे घर पे इजीली अवेलेबल होता है उसी से आज हम स्टेप फॉलो करने वाले हैं, यानी एक पहला क्लेंसिंग और दूसरा है जो मास्क, जो मैजिकल मास्क है जो हमारे स्किन को एक चमक देने वाला है उसे ट्राई करने वाले हैं। तो चलो ये एक कच्चा दूध ले लीजिए, थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए, अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो उबला हुआ दूध को ठंडा करके उसे भी आप इसे यूज कर सकते हो। उसमें 2-3 ड्रॉप्स रोज वाटर डाल दीजिए, अगर आपको रोज वाटर नहीं है आपके पास या आप डालना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। रोज वाटर डालने से यह होता है कि हमारी जो स्किन की टेक्सचर है वो सॉफ्ट होने लगती है, इसीलिए हम रोज वाटर डालते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और एक कॉटन बॉल्स ले लीजिए, उसे डिप करके अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लेंस कर लीजिए, कोई भी जगह ना छोड़िए, अच्छी तरीके से क्लेंस कर लीजिए, डिप कीजिए, क्लेंस कीजिए, डिप कीजिए, क्लेंस कीजिए, 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। हम सब जानते हैं कि मिल्क में ऐसी लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होती है जो हमारी स्किन के डर्ट को अच्छी तरीके से रिमूव कर देता है, एक ऐसे क्लेंसर की तरह काम कर। 2 मिनट हो गए हैं, अब एक मग ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी ले लीजिए, नॉर्मल वाटर ले लीजिए और कॉटन क्लोथ को डिप करके अपने फेस को वॉश कर लीजिए, कोई भी साबुन फेस वॉश कुछ भी यूज नहीं करना है। तो मैंने क्लेंस कर लिया है, अब हम उस मैजिकल मास्क की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे फेस को चमकाने वाला है, ग्लो करने वाला है। तो ग्लो लाने के लिए सिर्फ मास्क ही काफी नहीं होता है, आपको खूब सारा पानी भी पीना होता है और खूब सारी हरी सब्जियां भी खानी होती है, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खाना बहुत जरूरी है, आपके फेस और शरीर के लिए बहुत ही गुणदायक है। मास्क को बनाने के लिए आपको एक बाउल ले लीजिए, उसमें 2 चम्मच बेसन यानी ग्रैम फ्लोर,
जो हम पकोड़ा बनाने में यूज करते हैं, मेन इंग्रेडिएंट होता है पकोड़ा बनाने में, यह हर किसी के घर में इजीली अवेलेबल होता है, वो ले लीजिए 2 चम्मच। और 1.5 चम्मच योगर्ट ले लीजिए। अगर आपकी दही बहुत पतली है तो आप उसमें सिर्फ 1 चम्मच ही डालिएगा। अगर आपकी दही जो थिक है तो आप इसे 1.5 चम्मच डालिएगा, क्योंकि थिक होगा तो एकदम प्रॉपर तरीके से मिक्स करने में थोड़ा ज्यादा यूज होगा, और पतली होगी तो हम ज्यादा डालेंगे तो बहुत लिक्विड फॉर्म ही हो जाएगा और हम मास्क प्रॉपर तरीके से नहीं लगा पाएंगे। हनी शेड, शेड भी हर किसी के घर में इजीली अवेलेबल होता है, तो उसमें 2 से 3 बूंदे शेड डाल दीजिए और अच्छे तरीके से मास्क जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब इस मास्क को सर्कुलर मोशन में लगाइए, पूरे फेस पे लगाइए। अगर आपको कोई से भी इंग्रेडिएंट से एलर्जिक है तो आप पहले पैच टेस्ट कर लीजिए फिर यूज कीजिएगा। अच्छे तरीके से लगा लीजिए, अपने पूरे फेस पे लगा लीजिए और आप इसे 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। पता है कि बेसन जो है, ग्राम फ्लोर जो है, उसकी बहुत सारी बेनिफिट्स होती है हमारी स्किन के लिए। यह हमारी पीएच लेवल को बैलेंस करने में हेल्प करता है, हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करने में हेल्प करता है, हमारी स्किन के एक्सेसिव डर्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है और हमारे एजिंग साइन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, रिंकल्स जैसे प्रॉब्लम को बचाने में हेल्प करता है, बहुत सारे बेनिफिट्स है, स्किन को लाइटन करने में हेल्प करता है, बहुत सारे बेनिफिट्स है इसके। और दही जो हमारी दही है उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है, हमारे पोर्स को ओपन करने में हेल्प करता है। और हनी, सब जानते हैं कि हनी हमारी स्किन को मॉइस्चराइज और स्किन को सॉफ्ट और सफल बनाने में हेल्प करता है। 7 मिनट हो गए, आपको ज्यादा ड्राई नहीं होने देना है। अगर आप ज्यादा देर तक रखोगे अपने फेस पे तो आपको रिमूव करने में प्रॉब्लम होगी और आपकी जो स्किन है वो इरिटेट होने लगेगी। आपको बस 5 से 7 मिनट रखना है, यानी हल्के ड्राई होने से बाद ही आपको वॉश कर लेना है। आपको कोई भी फेस वॉश सोप यूज नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल पानी से मुंह धोना है। मैंने अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश कर लिए हैं, आप देख सकते हो, और आप देख सकते हो कि मेरी स्किन जो है कितनी अच्छी तरीके से ग्लो कर रही है। पहले दिन ही इतनी अच्छी ग्लो कर रही है तो 7 दिन के बाद तो बहुत ही अच्छी स्किन मेरी ग्लो करने लगेगी। आप इस वाले मास्क को जरूर ट्राई कीजिएगा गाइस, एक बार इसे ट्राई कीजिए और 7 दिन के बाद आप मुझे कमेंट में बताइएगा गाइस, आपके स्किन के टेक्सचर में कुछ फर्क आया है नहीं। एक बार ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे। बस यही कह सकती हूँ कि अगर आपके स्किन पे ग्लास वाला चमक वाला ग्लो वाला लुक चाहिए तो आप इस वाले मास्क को जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये इजी प्रोडक्ट है जो बहुत ही चीप है, हम पार्लर में जाके फेशियल करा लेते हैं, हम डर्मोलॉजिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट करवा लेते हैं जो हमें बहुत महंगा पड़ता है। फिर उसके बाद आता है कि अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए पहले रोज वाटर स्प्रे कर लीजिए। मैं यहाँ कामा आयुर्वेदिका रोज वाटर यूज कर रही हूँ, आप कोई सा भी रोज वाटर ले लीजिए या टोनर लगा लीजिए, आपके पास जो भी अवेलेबल है आपको लगा सकते हो। फिर उसके बाद आता है कि मॉइस्चराइज करने के पास मॉइस्चराइजर नहीं है या खत्म हो गया है तो आप एलोवेरा जेल को भी मॉइस्चराइजर की तरह लगा सकते हो। एलोवेरा के बहुत सारे बेनिफिट्स है हमारी स्किन के लिए, मास्क को जरूर ट्राई कीजिएगा गाइस, आपकी स्किन के टेक्सचर को बहुत ही इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। आप एक बार इसे यूज कर लीजिए, आपको 2-3 दिन में पता चल गया कि आपकी जो स्किन की टेक्सचर है वो पहले से बेहतर हो जाएगी, इस तरह अच्छी तरीके से ग्लो करेगी। आप देख सकते हो कि मैंने कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ लिपस्टिक और काजल लगाए हैं, कुछ भी नहीं लगाया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको बेटर रिजल्ट मिला है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा गाइस।